पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू करा दिया है। इसी ताकत में और इजाफा करते हुए भारतीय वायुसेना के बेड़े में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया गया है। आइए देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने ताकत में बड़ा इजाफा करते हुए अमेरिका से खरीदे गए चिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल कर लिए हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह में 4 चिनूक हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में शामिल किया गया। अमेरिका से $1.5 अरब में कुल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, जिनमें से 4 की खेप सोमवार को चंडीगढ़ पहुंची। इनका उपयोग दुर्गम और ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों, हथियारों, मशीनों तथा अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने के लिए किया जाएगा। ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं तथा 10 टन तक का वजन ले जा सकते हैं। कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सेकंड थिंग व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू ऑपरेट फ्रॉम वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड दिस हेलीकॉप्टर डज बोथ। आपको बता दें कि चिनूक का निर्माण बोइंग कंपनी करती है। हालांकि ये 1962 से ही प्रचलन में है, लेकिन बोइंग ने समय समय पर इनमें सुधार किया है, इसलिए भी आज करीब 25 देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। खुद अमेरिका भी महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में इसका इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान में घुसकर लादेन का खात्मा किया था तो चिनूक हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल किया था। वियतनाम युद्ध, लीबिया, ईरान, अफगानिस्तान समेत इराक में भी यह हेलीकॉप्टर बड़ी और निर्णायक भूमिका निभा चुका है। USA when they were looking at Vietnam war, the airdrop will not work, it will get lost. So they needed a helicopter which is flat chested and which can fly low, but at the same time it can protect itself as well. So that's how they came to a model. इस हेलीकॉप्टर में एक बार में गोला बारूद, हथियार के अलावा सैनिकों को भी भेजा जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ा सकते हैं तथा इसे रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। भारी सामानों के बावजूद ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर बेहद तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जो सैनिकों और उनके हथियारों, उनके साजो सामान और ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भारतीय वायुसेना के पास जो मालवाहक हेलीकॉप्टर है वो है MI-26, जो निश्चित तौर पर चिनूक के आने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरामैन नितेश के साथ मैं संदीप कुमार, IMC News, नई दिल्ली।